जारी हुआ है। दस दस घंटे बिजली नहीं होती थी, पानी पीने को नहीं होता था। दिल्ली वाले की प्यास बुझाई तो कांग्रेस पार्टी थी। दिल्ली के अंदर बिजली को 24 घंटे उपलब्ध कराया तो कांग्रेस पार्टी थी। दिल्ली के अंदर मेट्रो, फ्लाई ओवर, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का बनाई तो कांग्रेस पार्टी ने बनाया। दिल्ली में CNG लाई तो कांग्रेस पार्टी लाई। दिल्ली के अंदर केरोसिन फ्री बनाया तो कांग्रेस पार्टी ने बनाया। और दिल्ली को हिंदुस्तान की बेहतरीन ग्रीन शहर का अवार्ड मिला यूनाइटेड नेशन द्वारा, तो कांग्रेस पार्टी के किए हुए कामों। आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो आ जाए, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है वो जनता के हित में मैनिफेस्टो देखा जा रहा है? क्या देखा, आप कैसे देख रहे हैं उसे? ये कौन सा कैसा मैनिफेस्टो, मेरे तो समझ के बाहर का। ये बात उन्होंने पहले भी बोली, क्या नया लेके आए? कोई जो बेरोजगार है उनके प्रति उनकी कोई सहानुभूति नहीं? जो स्टूडेंट बुरी तरह से जिनको पीटा गया जामिया के अंदर और JNU के अंदर, उसके बारे में कोई सहानुभूति नहीं? ये बच्चे जो भविष्य हैं देश का, जो मेरी माताएं, बहनें, बेटियां वहाँ शाहीनबाग में बैठी हैं, वो वीरांगना है, वो अपने बच्चों की रक्षा के लिए, देश के संविधान की रक्षा के लिए वहाँ बैठी हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी और खासकर सुभाष चोपड़ा उनके उनके चरणों में शीश झुकाते हैं। सुभाष चोपड़ा।